हेलो एवरीवन, आज इस छोटी सी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा अपना एक रूट वर्ड। और वो रूट वर्ड क्या होगा? वो रूट वर्ड होगा आपका सोमना। कहीं भी आपको SOMNA सोमन सोमना लिखा मिल जाए तो वो किससे रिलेटेड होता है? स्लीप से, सोने से रिलेटेड होता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि लड़की सो रही है, तो सोने से रिलेटेड ये रूट वर्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला वर्ड है उसमें से इनसोमनिया। इनसोमनिया का मतलब क्या होता है? नींद ना आना। आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। आप लैक ऑफ स्लीप कह सकते हो, स्लीपलेसनेस कह सकते हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर कह सकते हो। स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद नहीं आ पा रही है आपकी। आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आ पा रही है। लैक ऑफ स्लीप, स्लीपलेसनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इनसोमनिया। जिस भी वर्ड से पहले हम इन लगा देते हैं वो उसकी अपोजिट बात करने लग जाता है। सोमना वर्ड रिलेट करेगा स्लीप से, उससे पहले हमने इन लगा दिया, इसका मतलब नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ चुकी है। दूसरा वर्ड यहीं से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज सोमनीलोक्विस। सोमनीलोक्विस का मतलब क्या होता है? नींद में बोलना। एक ऐसा इंसान जो नींद में बोलता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में IST लग जाता है वो वर्ड डिनोट करता है पर्सन को। तो एक ऐसा पर्सन जो नींद में, SOMN मतलब सोने से, जो सोने में सोते सोते क्या करता है? बोलता है, LOQ। यहां आपका एक रूट वर्ड और आ रहा है, क्या? LOQ। इस रूट वर्ड का क्या मतलब होता है? ये वर्ड रिलेट करता है बोलने से, टू स्पीक, बोलने से। तो देखो, एक ऐसा इंसान जो बोलता है किसमें? नींद में। सोमनीलोक्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो नींद में बोलता है। यहां से आप एक रूट वर्ड और याद रखेंगे, क्या? LOQ, जो नींद में बोलता है। लॉक मतलब बोलना। यहाँ से फिर आपके सामने एक वर्ड और एग्जाम में पूछा जाता है। चारों वर्ड प्रीवियस है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए, आपको बताने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है फुल ऑफ स्लीप, पूरा नींद से भरा हुआ, खूब भरपूर नींद लेना। ड्राउजी आप कह सकते हैं, ड्राउजी मतलब सोया सोया सा, ड्राउजी मतलब सोया सोया सा। स्लीपी आप कह सकते हैं, स्लीपी मतलब जो सोया सोया सा रहता है। ठीक है, तो फुल ऑफ स्लीप, भरपूर नींद, खूब नींद आती है जिसको, ठीक है, सोमनोलेंट। और एक वर्ड जो और आपके एग्जाम में पूछा जाता है SOMN से, सोमना से, क्या है वो? सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो नींद में चलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रूट वर्ड एक और आ रहा है, एम्बुल। एम्बुल वर्ड अगर आपको कहीं भी नजर आता है, AMBUL, ये किससे रिलेटेड होता है? चलने से, टू वॉक। एम्बुल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? टू वॉक, चलना। तो एक ऐसा इंसान जो चलता है नींद में, उसको बोला जाता है सोमनाम्बुलिस्ट। तो यहाँ से ये चारों वर्ड्स प्रीवियस हैं, रिपीटेड हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इनको ज़्यादा देखा गया है। आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, इनसोमनिया, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनोलेंट और सोमनाम्बुलिस्ट। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने अपना कंप्लीट किया रूट वर्ड क्या, सोमना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको क्या इस तरह की वीडियोज़ और भी चाहिए। थैंक यू सो मच।